आज के इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि जब भी आप यहाँ पर गूगल क्रोम के अंदर कोई भी वेबसाइट पर आते हैं तो यहाँ पर गाइस जब भी आप गूगल सर्च करते हैं वेबसाइट को तो यहाँ पर गाइस आपको कुछ ऐसा दिखाई देता है जो ऐसी प्रॉब्लम आती है। तो ये प्रॉब्लम क्यों आती है बताऊँगा इस वीडियो में और आप कैसे फिक्स कर सकते हैं बताऊँगा। तो इस वीडियो को ध्यान से देखिएगा और लास्ट एंड तक देखिएगा, अगर स्किप करेंगे तो आपको समझ नहीं आएगा। तो चलिए बिना डरे इसके स्टार्ट करते हैं। यहाँ पर आपको बोलता है 403 दैट्स एन एरर दैट्स ऑल वी नो, ऐसा बोलता है, ये गूगल की तरफ से आता है। तो यहाँ पर गाइस जब भी आप यहाँ पर कोई भी वेबसाइट सर्च करते हैं गूगल के अंदर तो अगर आपने यहाँ पर स्पेलिंग मिस्टेक की है वेबसाइट के अंदर, अगर आप एक भी वर्ड यहाँ पर भूल जाते हैं तब आपको ऐसी प्रॉब्लम आती है। तो यहाँ पर आपको क्या करना होगा, आपको यहाँ पर वेबसाइट देखना है कि स्पेलिंग तो सही है या नहीं, और ये जो वेबसाइट है वो सही है नहीं देख लेना है आपको। या फिर आपको क्या करना होगा, जो भी वेबसाइट रहेगा उसकी लिंक डालने के बजाय जो यहाँ पर जो हेडिंग रहती है वो आपको डालना होगा। जैसे कि यहाँ पर अगर कोई भी आप AI की वेबसाइट डाल रहे हैं, ल्यूमा वगैरह, तो ल्यूमा.ai, कोलैब है, कोलैब एक वेबसाइट है, तो गूगल सर्च में आप सिर्फ कोलैब डाल दीजिए, इसकी वेबसाइट खुद ब खुद आ जाएगी। अगर आप लिंक के ज़रिए जाएंगे तो आपको ऐसी प्रॉब्लम आ सकती है। तो यहाँ पर अगर ये आपको ऐसा लिख कर आता है दैट्स ऑल वी नो ऐसा लिख कर आएगा तो यानी गाइस आपने यहाँ पर वेबसाइट में गलती की है लिखने में, तभी आपको ऐसा बोलेगा, अदरवाइज ऐसे नहीं बोलेगा गाइस। तो उम्मीद करता हूँ आपको समझ आया होगा। अगर वीडियो अच्छा लगा तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करना भूलिए। थैंक यू वेरी मच।